तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग इन कोविड सिचुएशन। होपफुली यू आर डूइंग वेल। तो इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन दैट इज आईसीएच हार्मोनाइज्ड ट्राइपार्टाइट गाइडलाइन, ये एक काफी इम्पोर्टेंट ग्रुप ऑफ गाइडलाइंस है जो हम लोगों को काफी समृद्ध करते हैं, काफी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो ऐसे ही हम लोग आज एक इम्पोर्टेंट गाइडलाइन के ऊपर डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट Q8R2। तो विदाउट लूजिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। उससे पहले एक चीज बोल देते हैं कि ये जो डीआर टेक्निकल ज्ञान में आप लोग नया आ रहे हैं, ये वीडियोस देख रहे हैं, तो ये वीडियो सब आप ही लोगों के लिए बनाए गए हैं गाइडलाइन को जानने के लिए, नॉलेज को शेयरिंग के लिए। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, दोस्तों को बीच में इसको शेयर करे और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट यू विल बी नोटिफाइड एवरी अपलोडेड न्यू वीडियोस। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग इस गाइडलाइन की पार्ट वन जो है फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट उसके बारे में पूरा जानकारी चलिए ले लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस गाइडलाइन। दिस गाइडलाइन डिस्क्राइब्स द सजेस्टेड कंटेंट दैट इज फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट सेक्शन ऑफ द रेगुलेटरी सबमिशन इन आईसीएच M4 दैट इज कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट, इसको CTD फॉर्मेट्स भी बोलते हैं। तो ये गाइडलाइन जो है हम लोगों को सजेस्ट करते हैं फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट सेक्शन में एक रेगुलेटरी सबमिशन में हेल्प करने के लिए, जिसको ICH M4 और कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट को सबमिशन करने के लिए हेल्प करते हैं हम लोगों को। द फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट सेक्शन प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट द नॉलेज गेन थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक अप्रोचेस एंड क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट to the development of the product and its manufacturing process. तो मतलब क्या है, फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट का ये जो गाइडलाइन है, ये गाइडलाइन हम लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी प्रोड्यूस करते हैं जिससे हम लोगों को एक नॉलेज मिलता है ऑन साइंटिफिक अप्रोचेस एंड क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। तो मतलब ओवरऑल देखा जाए तो कंप्लीट हम लोगों को एक प्रोडक्ट, एक फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट के ऊपर कंप्लीट एंटायर नॉलेज मिलता है हम लोगों को। It is the first produced for the original marketing applications. ये original marketing applications को ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया था and से can be used to support a new knowledge gained over a life cycle management of the product. और एक product का life cycle management के ऊपर overall knowledge को enhance करने के लिए ये guideline को बनाया गया था। Pharmaceutical Development Section is intended to provide a comprehensive understanding of the product and its manufacturing process. तो मतलब Pharmaceutical Development के ये जो guideline है, ये guideline बनाने का मकसद ही यही था कि ये हम लोगों को एक comprehensive understanding देगा, मतलब हम लोगों को एक complete manufacturing process और उसको review करने का तरीका, उसको कैसे inspectors अगर कोई inspect करना है तो वो inspection करने के लिए भी हम लोगों को प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए हेल्प होगा। ये थॉट प्रोसेस से इसको बनाया गया था। दिस गाइडलाइन ऑल्सो इंडिकेट्स एरियाज फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग साइंस कैन क्रिएट अ बेसिस फॉर द फ्लेक्सिबल रेगुलेटरी अप्रोचेस। जो भी फ्लेक्सिबल रेगुलेटरी अप्रोचेस रहेंगे उसमें कहाँ पे हम लोगों को ज्यादा फोकस करना है, जो ग्रेटर फोकसेस रहेंगे on the demonstration of understanding the pharmaceutical manufacturing sciences, तो इसके ऊपर mainly focus करने के लिए हम लोगों को ये guideline का main मकसद जो है, main role जो है उसके ऊपर emphasize किया जाता है। The degree of regulatory flexibility is pertained on the level of relevant scientific knowledge provided. मतलब जो scientific knowledge enhance करने के लिए एक रेगुलेटरी से फ्लेक्सिबिलिटी जो है, रेगुलेटरी फ्लेक्सिबिलिटी को एनहेंस करता है। जितने भी हम लोग पास जो रेगुलेटरी कॉन्सेप्ट है, परसेप्शन से फ्लेक्सिबिलिटी है, वो रेगुलेटरी फ्लेक्सिबिलिटी को
रिटेन करने के लिए, उसको उसको बनाए रखने के लिए, हम लोगों को ग्रेटर लेवल ऑफ साइंटिफिक नॉलेज इसको प्रोवाइड करने के लिए ये गाइडलाइन बनाया गया है. अभी देखते हैं इस गाइडलाइन का स्कोप क्या है. दिस गाइडलाइन इज इंटेंडेड टू प्रोवाइड गाइडेंस ऑन द फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट फॉर ड्रग प्रोडक्ट्स एज डिफाइंड इन मॉड्यूल 3 ऑफ कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट दैट इज ICH गाइडलाइन M4. ये हम लोग पहले ही बोल चुके हैं कि मेनली ICH गाइडलाइन टेक्निकल कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट जो है M4, उसके ऊपर एम्फसाइज करके फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट का ये गाइडलाइन मेनली बनाया गया है. द गाइडलाइन डज नॉट अप्लाई टू कंटेंट द सबमिशन ऑफ ड्रग प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग द क्लिनिकल रिसर्च स्टेजेस ऑफ द ड्रग डेवलपमेंट. जो भी ड्रग का क्लिनिकल रिसर्च स्टेजेस में हम लोगों को जो रेगुलेटरी सबमिशन करते हैं, वो सबमिशन में ये गाइडलाइन हेल्प नहीं करेगी. मतलब इस गाइडलाइन की बेसिस पे हम लोग कोई सबमिशन या रेगुलेटरी सबमिशंस नहीं करेंगे. बट प्रिंसिपल्स इन द गाइडलाइंस आर इंपॉर्टेंट टू बी कंसीडर्ड ड्यूरिंग दिस स्टेजेस आल्सो. मतलब जो रेगुलेटरी सबमिशन स्टेजेस में जो भी अपना मतलब जो क्लिनिकल ट्रायल्स लिए जाएंगे उसमें हम लोग ये गाइडलाइन को कंसीडर कर सकते हैं, बट ये हम लोगों को डायरेक्टली हेल्प नहीं करेंगे. मतलब उसके लिए गाइडलाइन नहीं बनाया गया है. टू डिटरमाइन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस गाइडलाइन टू अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ द सेफ प्रोडक्ट, एप्लीकेंट कैन कंसल्ट विद एप्रोप्रिएट रेगुलेटरी अथॉरिटीज. मतलब पर्टिकुलर कुछ ड्रग प्रोडक्ट के लिए एप्लीकेंट इस गाइडलाइन को कंसीडर कर सकते हैं और इसका भी आप रेगुलेटरी अथॉरिटीज के साथ कंसल्ट भी कर सकता है. अभी चलते हैं आगे, देखते हैं फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट के बारे में. द इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज गेन्ड फ्रॉम फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट स्टडीज एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइडेड साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग टू सपोर्ट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द डिजाइन स्पेस स्पेसिफिकेशंस एंड मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल. अभी देखिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आया जो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है डिजाइन स्पेस. जो फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट का जो ये गाइडलाइन है ये मेनली फोकस करते हैं डिजाइन स्पेस के ऊपर. तो हम लोगों को जो नॉलेज है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो नॉलेज अंडरस्टैंडिंग को स्टेब्लिश करने के लिए डिजाइन स्पेस जो है उसको जानने के लिए, जो भी प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन है, जो मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल है, उसको जानने के लिए ये गाइडलाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो इस गाइडलाइन की भी आप पे हम लोग ये सारा पॉइंट को धीरे धीरे डिस्क्लोज करेंगे और जानेंगे कि इसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है. इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट स्टडीज कैन बी अ बेसिस फॉर क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट. तो हम लोग फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट का ये जो गाइडलाइन है ये एक बेसिस बन जाता है. इस बेसिस पे हम लोग क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट को बरकरार रख सकते हैं. क्वालिटी और रिस्क दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है. क्वालिटी को भी मेंटेन करके रखना चलना पड़ेगा और क्वालिटी में आपका एट्रीब्यूट्स जितने भी एट्रीब्यूटेड रिस्क है, जो रिस्क जेनरेट होता है, वो रिस्क को मैनेजमेंट करने का भी तरीका ये गाइडलाइन प्रोवाइड करता है. इट इज एन इम्पॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज द क्वालिटी दैट इज क्वालिटी कैन नॉट बी टेस्टेड इन टू द प्रोडक्ट्स. ये एक इम्पॉर्टेंट हम लोगों को सीख देता है. That is, quality जो है, quality cannot be tested into the products. Quality को product में testing करके quality को निर्धारण नहीं किया जा सकता है. Quality is in build. Quality should be by design. वही चीज हम लोग जानेंगे. That is, quality should be built in by design. मतलब तो quality जो है वो design से ही आएंगे. जो आप design develop करेंगे उस design से ही quality का डेवलपमेंट होगा. क्वालिटी टेस्टिंग करके नहीं आएगा कि प्रोडक्ट का हम लोगों ने टेस्टिंग किया, हमारा प्रोडक्ट सारा पैरामीटर ओके है तो मतलब प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है वो एकदम परफेक्ट है, ऐसा नहीं. आप डिजाइन ऐसा डेवलप करो, आप ऐसा डिजाइन बनाओ, सिस्टम ऐसा बनाओ कि उस सिस्टम में, उस ढांचे में जो भी प्रोडक्ट बनेंगे वो प्रोडक्ट उसका क्वालिटी एट्रीब्यूट्स को फुलफिल करेगा. यही इस गाइडलाइन का मकसद है. Changes in formulation and manufacturing process during the development and life cycle management should be locked upon as opportunities to gain additional knowledge.
and say further support for establishment of the design space. जो design space आपका है वो design space को जानने का, उसको explore करने का जो opportunity है, जो आपको इस guideline से मिलता है, उसको जानना पड़ेगा, तभी जाके आपको एक product का life cycle management को आप कर पाओगे. आप एक formulation में कहां कहां पे change होता है, वो चेंजेस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में क्या क्या एट्रीब्यूट्स लेके आते हैं, उसको जानने के लिए आपको ये गाइडलाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सिमिलरली इंक्लूजन ऑफ रिलेवेंट नॉलेज गेन्ड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स गिविन अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स कैन ऑल्सो बी यूजफुल. तो क्या बोल रहे हैं कि इंक्लूजन ऑफ रिलेवेंट नॉलेज, जो एक नॉलेज आप गेन कर पाएंगे उससे आप क्या होगा, दैट इज एक्सपेरिमेंट्स ऑन अंडरस्टैंडिंग द रिजल्ट्स व्हिच आर यूजफुल. जो एक्सपेरिमेंट्स करके आपको अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिल रहा है, जो एक्सपेरिमेंट्स करके आपको अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, जो नेचुरल रिजल्ट्स थोड़ा अलग मिल रहे, हट के रिजल्ट्स मिल रहे, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगे और वो इंफॉर्मेशन काफी रिलिवेंट होगा आपका प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल मैनेजमेंट को जानने के लिए, आपका प्रोडक्ट का क्वालिटी एट्रीब्यूट्स को जानने के लिए, आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को जानने के लिए, उसमें क्या क्या चेंज होता है उसको प्रॉपरली एसिमिलेट करने के लिए. नाउ डिजाइन स्पेस इज प्रपोज्ड बाय द एप्लीकेंट एंड इज सब्जेक्ट टू द रेगुलेटरी असेसमेंट एंड अप्रूवल. तो डिजाइन स्पेस हम लोग बनाते हैं, जो उस प्रोडक्ट को बनाने का तजुर्बा लेके अप्लाई करता है रेगुलेटरी बॉडीज के पास, मतलब जो एप्लीकेंट है, जो हम लोग है, जो हम लोग ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में जुड़े हुए हैं, हम लोग जो ड्रग मैन्युफैक्चरर्स है, जो एप्लीकेंट है, वो बोलता है कि मेरा डिजाइन स्पेस क्या होगा और वो डिजाइन स्पेस लेके रेगुलेटरी बॉडीज के पास अप्रूवल के लिए, सबमिशन के लिए लेके आता है. दैट इज द सब्जेक्ट टू बी अप्रूवल बाय द रेगुलेटरी बॉडीज, गवर्निंग बॉडीज. वर्किंग विद इन द डिजाइन स्पेस इज नॉट कंसिडर्ड एज अ चेंज. मतलब आप डिजाइन स्पेस, एक स्पेस के अंदर ही खेल रहे हो, आप डिजाइन स्पेस के अंदर ही वर्क कर रहे हो, उसमें थोड़ा थोड़ा चेंजेस लेके आ रहे हो, वो इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ चेंज. मूवमेंट आउटसाइड ऑफ द डिजाइन स्पेस इज कंसिडर्ड टू बी अ चेंज एंड वुड नॉर्मली इनिशिएट द रेगुलेटरी से पोस्ट अप्रूवल चेंज प्रोसेस. अगर आपका जो क्यूबीडी है, क्वालिटी बाई डिजाइन, जो डिजाइन स्पेस आपने दिया है, जो उस डिजाइन स्पेस का बाहर आप जाके कोई चेंजेस करते हो, दैट शुड बी कंसीडर्ड एज अ चेंज बाय द रेगुलेटरी बॉडीज, जिसके लिए आपको पोस्ट अप्रूवल, आपका अगर ऑलरेडी सबमिशन हो चुका है, रेगुलेटरी सबमिशन हमने कर चुके हैं, तो आपको फर्दर पोस्ट रेगुलेटरी सबमिशन के लिए आपको इट शुड बी कंसीडर्ड एज अ चेंजेस और आपके लिए चेंज कंट्रोल प्रोसीड्यूर के थ्रू आपको अप्लाई करना पड़ेगा. रेगुलेटरी गवर्निंग बॉडीज विल इवेल्युएट ऑल द चेंजेस on your design parameters. Now let's discuss other aspects. The pharmaceutical development section should describe the knowledge that establishes that the type of dosage forms selected and the formulations proposed are suitable for intended use. Sufficient information in each part to provide an understanding of the development of the drug product and its manufacturing process. Summary tables and graphs are encouraged. तो मतलब क्या है कि यही बोलना चाह रहे हैं कि जितना भी आप में आप यहाँ पे information sufficiently gather करेंगे, ये सारा sufficient information will provide the understanding and development of the drug product. आप जो drug product को बना रहे, जो ड्रग प्रोडक्ट आप रेगुलेटरी सबमिशन के लिए जा रहे, वो ड्रग प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल को जानने के लिए, ड्रग प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को जानने के लिए एक ठोक इंफॉर्मेशन होगा और वो ठोक इंफॉर्मेशन को आप समराइज कर सकते हो, टेबुलेट कर सकते हो, ग्राफिकल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हो. इट शुड बी एनकरेज्ड. आप उसको टेबुलेट करिए, आप उसको ग्राफिकल फॉर्मेट पे रिप्रेजेंट करिए और इट विल प्रोवाइड द क्लैरिटी टू द रिव्यूअर्स. और इसके क्या होगा कि आपका प्रोसेस को रिव्यू करने के लिए आपको सुविधा होगा. एट ए मिनिमम दोज एस्पेक्ट्स ऑफ द ड्रग सब्सटेंस एक्सिपिएंट्स
container closure systems and the manufacturing process that are critical to the product quality should be determined and the control strategies are justified. Which is a bol rahe ki aapka ek product ka main quality attributes kya kya hai. Sabse pehle to hai ki aapka product mein jo drug substances hai wo hai, uske sath juda hua excipients hai, uske sath uska surrounding jo container hai, uska jo container closure system hai, और जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, आप जो प्रोसेस से प्रोडक्ट को बना रहे हो, वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस उसमें जितना भी क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स है वो सारा चीजें जो है, ये सारा चीजें दीज आर द ऑल स्ट्रेटजीज, और ये सारा चीजें चीजों को कंट्रोल करना जरूरी है, क्योंकि ये सब चीजें अगर आपकी कंट्रोल में नहीं रहेगा तो आप क्वालिटी बाय डिजाइन, आप क्यूबीडी को मेंटेन नहीं कर पाएंगे. इट्स ऑल दिस पैरामीटर शुड बी जस्टिफाइड. Critical formulation attributes and say process parameters are generally identified through an assessment of the extent to which their variations can have impact on the quality of the drug products. Ye cheez bol rahe ki agar aap critical formulation attributes ko aur uska process parameters ko control nahi rakhenge, then it will this will adversely impact ऑन द क्वालिटी ऑफ द ड्रग प्रोडक्ट. अगर ये सारा पैरामीटर आपका कंट्रोल में रहेगा, अगर आप उसको प्रॉपरली मेंटेन करेंगे, आप इसका क्रिटिकल फॉर्मुलेशन एट्रीब्यूट्स को, प्रोसेस पैरामीटर्स को अगर आप प्रॉपरली फॉलो करेंगे, आपका अगर कंट्रोल में सारा चीज रहेंगे, देन इट विल नॉट इम्पैक्ट, इट विल नॉट एडवर्सली, इट विल नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस एनी वेरिएशन इन योर क्वालिटी ऑफ द ड्रग प्रोडक्ट. ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छी तरह से जानना जरूरी है. नाउ इन दिस सिचुएशंस वी अंडरस्टैंड अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट टू डेवलप द फ्लेक्सिबल रेगुलेटरी अप्रोचेस. अभी देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज आ गया कि फ्लेक्सिबल रेगुलेटरी अप्रोचेस क्या है. ठीक है, फ्लेक्सिबल रेगुलेटरी अप्रोचेस में हम लोग क्या क्या चीजें जानेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें है. व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ फ्लेक्सिबल रेगुलेटरी अप्रोचेस लाइक रिस्क बेस्ड रेगुलेटरी डिसीजंस, रिव्यू एंड इंस्पेक्शन. दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स. रिव्यू और उसके साथ इंस्पेक्शन, दैट इज आइदर इट विल बी रिव्यू, थॉरो रिव्यू, इन हाउस रिव्यू, डेली रिव्यू, एक्सटर्नल रिव्यू, इंस्पेक्शन, इन हाउस इंस्पेक्शन, इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट. All these things are risk-based regulatory decisions. इस विहार पे हम लोग रिस्क को इवेल्युएट कर सकते हैं कि आपका सिस्टम में कितना रिस्क इन्वॉल्व है, उसको जान सकते हैं. अभी चलिए देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग से प्रोसेस इंप्रूवमेंट्स विद इन द अप्रूव्ड डिजाइन स्पेस. पहले भी हम लोग बोल चुके हैं कि आपको जो अप्रूव्ड है डिजाइन स्पेस आपका जितना भी खेलने का जगह है, लेफ्ट साइड राइट साइड का पूरा पैरामीटर्स वो आपका ऑलरेडी अप्रूव्ड है, उसके अंदर ही आपको खेलना पड़ेगा. मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को आपको इंप्रूव करना है तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के इंप्रूवमेंट आप करने के लिए करिए आपका, मगर इंप्रूवमेंट जो होगा वो जो आपने डिस्क्राइब डोजियर में डिफाइन किया गया है उसके अंदर ही होगा. जैसे मान लीजिए आपने डोजियर सबमिशन किया है, कॉम्पेंडियल मान लीजिए कुछ पैरामीटर है 92 ऐसे का पैरामीटर है, 90 से लेके 110 का लिमिट है. आपने डोजियर सबमिशन किया है, आपने लिमिट रखा है 95 से लेके 105. अभी आप चाहते हैं कि आपका जो क्वालिटी है उस ऐसे का क्वालिटी को और इंप्रूव करना चाहते हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को और रोबस्ट करना चाहते हैं और उसको स्ट्रिंजेंट करना चाहते हैं और स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं, विदाउट फर्दर डूइंग एनी रेगुलेटरी सबमिशन आप उसको कर सकते हो, मगर आपको उसका स्ट्रिंजेंस के बीच में ही आपको और रोबस्ट बनाना पड़ेगा. अगर आप उस पैरामीटर का बियॉन्ड जाके आप उसको प्रोसेस में कुछ चेंजेस लेके आते हो, दैट विल एडवर्सली इम्पैक्ट ऑन द क्वालिटी लाइक एसे टेस्टिंग, लाइक अदर टेस्टिंग. तो आपको ये चीजें ध्यान में रखना पड़ेगा. नाउ रिडक्शन ऑफ द पोस्ट अप्रूवल सबमिशन. आपका जो पोस्ट अप्रूवल सबमिशंस होगा उसमें आपको उसको रिड्यूस करना है. पोस्ट अप्रूवल सबमिशंस बार बार नहीं करना है, उसमें रिड्यूस करना है. रियल टाइम क्वालिटी कंट्रोल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप जैसे रियल टाइम क्वालिटी कंट्रोल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, उससे आप क्वालिटी को क्यूबीडी जो क्वालिटी बाई डिजाइन है इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि रियल टाइम क्वालिटी कंट्रोल लीडिंग टू रिडक्शन ऑफ एंड प्रोडक्ट रिलीज टेस्टिंग. उसमें आप
को क्या करना है, एंड प्रोडक्ट रिलीज टेस्टिंग को रिड्यूस करना है. इट विल बी अ हॉट प्रोसेस टू मेंटेन द क्वालिटी बाय डिजाइन. नाउ टू रियलाइज द फ्लेक्सिबिलिटी द एप्लीकेंट शुड डेमोन्स्ट्रेट एन एनहेंस्ड नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट परफॉर्मेंस ओवर अ रेंज ऑफ मेटेरियल एट्रीब्यूट्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑप्शंस एंड प्रोसेस पैरामीटर्स, जो हम लोग पहले भी बोल चुके हैं. द डिजाइन एंड कॉन्डक्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट स्टडीज शुड बी कंसिस्टेंट विद देयर इंटेंडेड साइंटिफिक पर्पस. इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड दैट द लेवल ऑफ नॉलेज गेन्ड एंड नॉट द वॉल्यूम डेटा प्रोवाइड्स द बेसिस ऑफ साइंस बेस्ड सबमिशन एंड देयर रेगुलेटरी इवेल्युएशन. चलिए अभी डिस्कस करते हैं कि कॉम्पोनेंट ऑफ ड्रग प्रोडक्ट क्या क्या है, जो हम लोगों ने ब्रीफली पहले डिस्कशन कर चुके हैं उसको इलाबोरेटली जानते हैं. सबसे पहले आता है कि ड्रग सब्सटेंस. द फिजिको केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग सब्सटेंस दैट कैन इन्फ्लुएंस द परफॉर्मेंस ऑफ द ड्रग प्रोडक्ट एंड इट्स मैन्युफैक्चरेबिलिटी. फिजिको केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज दैट माइट नीड टू बी एग्जामाइंड इंक्लूड सॉल्युबिलिटी, वाटर कंटेंट, पार्टिकल साइज, क्रिस्टल प्रॉपर्टीज, बायोलॉजिकल एक्टिविटी, परमियबिलिटी एटसेट्रा. दीज प्रॉपर्टीज कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज एन कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टीज है ये प्रॉपर्टीज इंडिविजुअली इंपैक्ट करते हैं, नहीं तो फिर ये मल्टीपल प्रॉपर्टीज एक साथ मिलके भी प्रोडक्ट का अल्टीमेट क्वालिटी के ऊपर इंपैक्ट करते हैं. कंपेटिबिलिटी ऑफ द ड्रग सब्सटेंस विद एक्सपीरियंस शुड बी इवेल्युएटेड. मतलब जो आपका एपीआई है उसका एक्सपीरियंस के साथ कंपेटिबिलिटी को इवेल्युएट करना सबसे ज्यादा जरूरी है. For products that contain more than one drug substance, the compatibility of the drug substance with each other should also be evaluated. मतलब एक प्रोडक्ट में अगर मल्टीपल ड्रग सब्सटेंसेस है, मतलब एक से ज्यादा ड्रग सब्सटेंसेस, तो वो ड्रग सब्सटेंसेस का बीच में कॉम्पेटेबल है कि नहीं, एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहा है या फिर एक दूसरे के साथ नॉन रिएक्टिव है. वो हो सकता है कि एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके कोई तीसरा केमिकल बन जाए, कोई टॉक्सिक मेटेरियल जेनरेट हो सकता है, उसका बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट जेनरेट हो जाए, वो स्टेबल ना हो, उसका स्टेबिलिटी डेटा को इवेल्युएट करना है, तो उसका कॉम्पेटेबिलिटी को इवेल्युएट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आगे का नेक्स्ट जो है वो है एक्सिपिएंट्स. एक्सिपिएंट्स चूजन द कॉन्सेंट्रेशन एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कैन इन्फ्लुएंस द ड्रग प्रोडक्ट परफॉर्मेंस. दैट मीन्स जो एक्सिपिएंट्स आप लेंगे ड्रग बनाने की केस में, उसका दो चीजें काफी इंपॉर्टेंट है. एक है कि एक्सिपिएंट कितना मात्रा में आप यूज करेंगे, उसका कॉन्सेंट्रेशन. दूसरा है कि उसका नेचर कैसा है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है. उसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं कि ड्रग प्रोडक्ट का जो परफॉर्मेंस है उसमें इंपैक्ट करे, जैसे कि ड्रग प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी, उसका बायो अवेलेबिलिटी, उसके ऊपर उसका कोई इंपैक्ट या रोल हो, ठीक है. और उसका जो मैन्युफैक्चरबिलिटी है वो मैन्युफैक्चरबिलिटी शुड बी डिस्कस्ड रिलेटिव टू द रेस्पेक्टिव फंक्शन ऑफ ईच एक्सिपिएंट. मतलब उसका जो मैन्युफैक्चर करने का जो क्षमता है वो हर एक एक्सिपिएंट टू एक्सिपिएंट वो वेरी करेगा, तो इट शुड बी डिस्कस्ड. वो प्रॉपरली आपके पास उसका डेटा अवेलेबल होना चाहिए कि आप जो एक्सिपिएंट चूज कर रहे हो प्रोडक्ट को बनाने के लिए, ड्रग सब्सटेंस के साथ जो एक्सिपिएंट आप यूज करेंगे उसका फॉलो इवेल्युएशन होना जरूरी है. कॉम्पेटिबिलिटी ऑफ एक्सिपिएंट विद अदर एक्सिपिएंट्स आर आल्सो रिलेवेंट. फॉर एग्जांपल कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिजर्वेटिव्स इन अ ड्यूअल प्रिजर्वेटिव सिस्टम. जैसे मान लीजिए कि एक ड्यूअल प्रिजर्वेटिव सिस्टम है, उसमें दो प्रिजर्वेटिव्स है, तो वो दो प्रिजर्वेटिव के बीच में आपस में क्या होता है, कैसे बॉन्डिंग है, वो दो प्रिजर्वेटिव एक दूसरे को क्या नुकसान करते हैं, क्या केमिकल रिएक्शन करते हैं, वो सब चीजें जानना जरूरी है.
This all data should be established. The ability of excipients, like antioxidants, penetration enhancers, मतलब ये अलग अलग नेचर का बोल रहे हैं, जैसे हो सकता है कि एक एक्सिपिएंट एंटीऑक्सीडेंट टाइप का हो, एक वो पेनिट्रेशन को एनहांस करने के लिए ड्रग का पेनिट्रेशन पावर को बढ़ा देता है, ड्रग बहुत जल्दी घुल जाता है, डिसइंटीग्रेशन पावर को बढ़ा देता है, या डिसइंटीग्रेंट्स रिलीज और कंट्रोलिंग एजेंट भी हो सकता है। तो ये सब नेचर को ना इवेल्युएट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, प्रोवाइड देयर इंटेंडेड फंक्शनलिटी एंड टू परफॉर्म थ्रू आउट द इंटेंडेड ड्रग प्रोडक्ट सेल्फ लाइफ। तो एंटायर सेल्फ लाइफ उसका ये सारा नेचर को इवेल्युएट करना, ये हो सकता है कि थ्रू आउट द सेल्फ लाइफ उसका प्रोडक्ट एक्सिपिएंट का ये नेचर बरकरार रहे, इट शुड बी डेमोन्स्ट्रेटेड। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट ड्रग प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट। अ समरी शुड बी प्रोवाइडेड डिस्क्राइबिंग द डेवलपमेंट ऑफ द फॉर्मुलेशन including identification of these attributes that are critical to the quality of the drug product, taking into consideration of intended usage and route of administration. This summary should also take into the consideration of choice of the drug product, drug components like properties of the drug substances, excipients, uska container closure system, रिलीवेंट डोजिंग डिवाइसेस, जो डोजिंग डिवाइसेस आप यूज करेंगे उसके बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, एप्रोप्रिएट नॉलेज गेन्ड फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ सिमिलर ड्रग प्रोडक्ट्स, एनी एक्सिपिएंट्स रेंजिंग इंक्लूड द बेस्ट फॉर्मुलेशंस शुड जस्टिफाइड इन द सेक्शन अप्लाइड। दिस जस्टिफिकेशन कैन ऑफन बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस गेन्ड थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्ट। A summary of the formulations used in clinical safety and efficacy and in any relevant bioavailability or bioequivalence studies should be provided. Information from comprehensive in vitro studies like resolution, जैसे कि हम लोगों को मालूम है कि resolution is an in vitro study, comprehensive in vivo studies जैसे कि bioequivalence, bioequivalence studies that likes clinical formulations to be say, proposed say, commercial formulation, जिससे हम लोगों को आगे clinical formulation को हम लोग थोड़ा आगे ले जाके commercial formulation बना सकते हैं। इसके लिए हम लोगों को ये सारा information, comprehensive data अपने पास available होना पड़ेगा, जैसे कि in vitro studies like resolution, in vivo studies like bioequivalence studies. A successful correlation can assist to the selection of appropriate dissolution acceptance criteria, can potentially reduce the need of further equivalence studies. ये बहुत ही important है, जैसे कि आप अगर successful correlation आपको पास मिल चुका है, जिससे आपको dissolution acceptance criteria मिल रहा है, dissolution कितना drug release हो रहा है, उसका nature आपको मालूम चल रहा है, कितना drug release होता है, उसका pattern मालूम चल रहा है, तो आप इतना इससे आप evaluate कर सकते हो कि आपका जो potential इन वीवो स्टडी करने का रिक्वायरमेंट रिड्यूस हो जाता है, जैसे कि बायोइक्विवेलेंस स्टडीज करने का रिक्वायरमेंट जो है वो काफी हद तक कम हो जाता है। तो ये सारे इंफॉर्मेशन आपके पास गैदर होना जरूरी है। एनी स्पेशल डिजाइन फीचर्स ऑफ द ड्रग प्रोडक्ट, जैसे कि टैबलेट, स्कोर लाइन, ओवरफिल, एंटी काउंटर्स, फेचिंग मेजर्स एटसेट्रा शुड बी आइडेंटिफाइड and rationale से provided for their use, और इसका सारा details आपके पास होना चाहिए, उसका rationale आपके पास use करने का rationales भी आपके पास होना चाहिए। अभी चलते हैं आगे, देखते हैं कि overages के बारे में। In general, use of an overage of a drug substance to compensate the degradation during the manufacturing or product shelf life or to extend shelf life of the is discouraged. तो मतलब क्या बोल रहा है, सीधी सीधी बात है, एकदम clear to understand, overages is always discouraged. Overages को कभी भी encourage नहीं किया जाता है कि आप जब drug एक manufacturing के लिए लेंगे तो आप extra drug, extra आप API को add करके आप उसमें देना चाहते हो, क्यों कारण
कारण ये है कि प्रोडक्ट का नेचर है कि वो डिग्रेड हो जाता है, उसका डिग्रेडेंट रहता है ड्यू टू द मैन्युफैक्चरिंग लॉस और ड्यू टू द सेल्फ लाइफ लॉस और ड्यू टू द एक्सटेंडेड सेल्फ लाइफ लॉस। तो ऐसे कभी भी अगर आपका एपीआई लॉस होता है तो ओवरएज इज ऑलवेज डिस्करेज, कभी भी ओवरएज ऐड करने को इनकरेज नहीं किया जाता है। बट एनी ओवरएजेस इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द ड्रग प्रोडक्ट वेदर से दे अपीयर इन द फाइनल फॉर्मुलेशन शुड बी जस्टिफाइड कंसीडरिंग द सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ द प्रोडक्ट। अगर आपको फाइनल फॉर्मुलेशन में ओवरएज ऐड करना है तो आपका उसका जस्टिफिकेशन आपको फॉर्मुलेशन का जो भी आपका फॉर्मुलेशन डिटेल है आपका मास्टर एमएफआर है उसमें वो जस्टिफाइबल होना चाहिए। उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन रहना चाहिए, उसमें इंफॉर्मेशन रहना चाहिए अमाउंट ऑफ ओवरएज, कितना अमाउंट ओवरएज आप ऐड कर रहे हो पीएमआर में भी होना चाहिए। रीजन ऑफ लॉसेस, किस लिए आपका वो लॉस होता है। रीजन फॉर एडिशन ऑफ ओवरएज दैट इज कॉम्पेंसेट फॉर एक्सटेंडेड और डॉक्यूमेंटेड मैन्युफैक्चरिंग लॉस। आपको वो जो भी आप बोलना चाहते हो कि लॉस होता है आपका जिसको आप कॉम्पेंसेट करना चाहते हो, इट शुड बी एविडेंट, इट शुड बी प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड, उसके बाद ही आप ओवरएज ऐड कर सकते हो। जस्टिफिकेशन फॉर अमाउंट ऑफ ओवरएज, कितना आप अमाउंट ऑफ ओवरएज ऐड कर रहे हो उसका जस्टिफिकेशन भी आपको देना पड़ेगा। अभी चलते देखते हैं कि फिजियोकेमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग प्रोडक्ट। फिजिकोकेमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज रिलेवेंट टू द सेफ्टी परफॉर्मेंस और मैन्युफैक्चरेबिलिटी ऑफ द ड्रग प्रोडक्ट शुड बी आइडेंटिफाइड एंड डिस्कस्ड। दिस इंक्लूड्स द फिजियोलॉजिकल implications of the drug substances and the formulation attributes, information supporting to the selection of dissolution versus disintegration testing or other means to assure the drug release and the development and suitability of the chosen tests. चलिए आगे बढ़ते हुए चलते हैं manufacturing process development की ओर। It is an important to consider that the critical formulation attributes, जो अभी हम लोग critical formulation attributes की बारे में बात कर रहे थे, together with the available manufacturing process options, in order to address the selection of the manufacturing process and confirm the appropriateness of the components, process development studies provide the basis for process improvement, process variation, process validation, continuous process verifications, process control requirements, ये सब को justify करते हैं। Now microbiological as well as physical chemical attributes, इसके बारे में जानना जरूरी है। The knowledge gained from the process development studies can used as appropriate to justify the drug product specifications. The manufacturing process development, manufacturing process development program or process improvement program should identify any critical process parameter that should be monitored or controlled. जैसे कि granulation endpoints, ये काफी important critical control parameters है जिसको जानना बहुत ही जरूरी है टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे, टू एंश्योर दैट द प्रोडक्ट इज ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी। आपका क्वालिटी एट्रीब्यूट्स को फुलफिल हो रहे कि नहीं हो रहे वो मेंटेन करने के लिए इसको जानना, उसको फॉलो करना, फुलफिल करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। अभी चलते हैं, द इंफॉर्मेशन शुड इंक्लूड, आपके पास कुछ क्या क्या इंफॉर्मेशन होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल बोल रहे, द आइडेंटिटी, आइडेंटिटी में क्या आता है, बैच नंबर आता है एंड द यूसेज ऑफ बैच प्रोडक्ट्स, जैसे बायोक्विवेलेंस स्टडी बैच नंबर एटसेट्रा। मैन्युफैक्चरिंग साइट, कौन सा साइट पे आप ड्रग को मैन्युफैक्चर कर रहे हो उसका डिटेल्स, बैच साइज, एनी सिग्निफिकेंट इक्विपमेंट डिफरेंसेस, अगर कोई सिग्निफिकेंट इक्विपमेंट अलग इक्विपमेंट आपने यूज किया है तो उसका सारा डिटेल्स, डिफरेंट डिजाइन, अगर आपका डिजाइन अलग हो सकता है, आपका ऑपरेशन प्रिंसिपल अलग हो सकता है, आपका बैच साइज अलग हो सकता है, तो ये सारा इंफॉर्मेशन आपको गैदर करना जरूरी है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी फॉर फर्दर से प्रोसेस इंप्रूवमेंट। व्हेन डिस्क्राइबिंग द डेवलपमेंट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इट इज यूजफुल टू डिस्क्राइब
manufacturing systems that allow monitoring of the critical attributes or process endpoints. Collection of process monitoring data during the development of the manufacturing process can provide useful information to enhance the process understanding. The process control strategies that provide us a process adjustment capabilities to ensure control of all critical attributes should be described. An assessment of the abilities of the process to reliably produce a product of the intended quality. The performance of manufacturing process under different orientations, operating conditions at different scales or different equipment can be provided. An understanding of the process robustness. अभी ये एक important जगह पे आ गए हैं जो काफी सभी चीजों को एक साथ में अगर conclude करना है तो ये सब चीजें हम लोग क्यों करते हैं to understand the process robustness can be useful in a risk assessment or risk reduction. हम लोग ये क्यों कर रहे हैं क्योंकि risk को assess करने के लिए risk को reduce करने के लिए process से जो भी supporting risk होगा उसको eliminate करने के लिए process के critical control parameters को जानने के लिए और उसको मॉनिटर करने के लिए सपोर्ट द फर्दर मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेस इंप्रूवमेंट स्पेशली इन कंजंक्शन विद द रिस्क मैनेजमेंट टूल्स. अभी चलते हैं आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कंटेनर क्लोजर सिस्टम की ओर. द चॉइस ऑफ प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल शुड बी कंसीडर्ड. चॉइस ऑफ मटेरियल प्रोटेक्शन फ्रॉम मॉइस्चर लाइट कंपेटेबिलिटी and it's a material of construction with the dosage form, including absorption of container and leaching. The safety of the materials and construction, justification for secondary packing materials should be included where relevant. If the dosing devices is used, like droppers, pipette, pen, junction devices, dry powder inhaler, etc., it is important to demonstrate that the reproducible and accurate dose of the product is delivered under testing conditions, which as far as possible simulate the use of the product. मतलब आप जो testing condition में आप artificial उसको check करेंगे during testing condition पे, it will simulate the exact usage of the product. जैसे जिस condition में patient उसको लेंगे either through the dropper pipette, either through the pen injection devices, either through dry powder inhaler, तो patient जिस dose को लेगा उसी dose को आप artificially testing की time पे check करेंगे. Now microbiological attributes को जान लेते हैं. The rationale for performance or not performing the microbiological limit testings of non-sterile drug products. Decision tree number 8 in ICH-Q6A specification, test procedure and acceptance criteria of new drug substances and new drug products, chemical substances, and ICH-Q6B, that is specifications, test procedure and acceptance criteria of biological or biotechnological products. The selection of effectiveness of the preservative systems in the product containing antimicrobial preservatives or antimicrobial effectiveness of the product that are inherently antimicrobial. Number 3, the sterile product, the integrity of the container closure system as it relates to preventing microbiological contaminants. Although chemical testings of the preservative content is the attributes of normally included in the drug product specification. जैसे कि क्या बोल रहे हैं कि chemical testing of the preservative in generally किया जाता है और it आपका specification के अंदर include किया जाता है, but antimicrobial preservative effectiveness should be demonstrated during the development. मगर drug development की time पे antimicrobial preservative उसका effectiveness check testing भी करना पड़ेगा through microbiological aspects. The lowest specified concentration of the antimicrobial preservative should be demonstrated to be effective in controlling microbiological microorganisms by using an antimicrobial preservative effectiveness test.
The concentration used should be justified in terms of efficacy and safety, such that the minimum concentration of the preservative that gives the required level of efficacy throughout the intended shelf life of the product is used. A relevant microbiological challenge testing under testing conditions that, as far as possible, simulate patient use should be performed during the development and should be documented in this section. अभी आगे बढ़ते हुए चलते हुए देखते हैं कंपेटेबिलिटी के बारे में. The compatibility of the drug product with reconstitution diluents, example, जैसे कि precipitation, stability, etc., should be addressed to provide the appropriate and supportive information for the labeling. This information should cover recommended in use shelf life at the recommended storage temperature and at likely extremes of concentrations. Similarly, admixtures or dilutions of the said product prior to administration might need to be addressed. So, part 1 जो है यहीं पे खत्म होता है. आगे हम लोग part 2 के बारे में जानेंगे. एक नया वीडियो में part 2 को एक्सप्लेन करेंगे इलाबोरेटली. part 1 गाइडलाइन का ICH Q8 यहीं पे खत्म करते हैं. आप लोग जरूर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए. चलिए ऐसे ही कंटिन्यू गाइडलाइंस का वीडियो देखते रहिए, एनहांस करिए अपना नॉलेज को, जानकारी बढ़ाते रहिए, जुड़े रहे डीआर टेक्निकल ज्ञान के साथ. थैंक यू.